रायपुर कोतवाली शाहबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोतवाली शाहबाद पुलिस ने देर रात गैनी चौराहे पर अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग और संगीत व्यक्ति को चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गैनी चौराहे पर एक व्यक्ति संगीत प्रतीत हुआ, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अंजुम उर्फ साकिर के पैर में गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अंजुम पर 25,000 का इनाम था, जिसकी पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। इस पर क्या कुछ बता रहे हैं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। थाना शाहबाद में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक इनामी बदमाश है जो शाहबाद से लंबे समय से वांछित है, 25,000 का उसको इनाम है। अंजुम उर्फ अर्जुम उर्फ साकिर सन ऑफ सामिद, जो ककराला थाना अलापुर बदायूं का रहने वाला है, तो ये इस क्षेत्र में आएगा और किसी वारदात को अंजाम देने के चक्कर में आएगा। तो इस सूचना पर इंस्पेक्टर शाहबाद करणपाल सिंह, उनके साथ इंस्पेक्टर अपराध राकेश कुमार सिंह और उनके साथियों ने, ये जगह है गैनी सिरौली रोड पर ओसी चौराहा, वहाँ पर चेकिंग आरंभ कर दी। तभी रात्रि में 11 बजे एक मोटरसाइकिल पर आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस आदमी ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में ये आदमी घायल हो गया। जब प्रकाश में देखा गया तो ये आदमी, जिसकी पुलिस को तलाश थी, अर्जुम और अंजुम, तो 25,000 का इनामी था, वही था। इसके पैर में गोली लगी है, इसे शाहबाद रेफर किया गया। शाहबाद से फिर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ये पिछले साल दिसंबर में एक लूट हुई थी लोदीपुर में, तो उसमें वांछित चल रहा था। इसके 3 साथी जेल जा चुके हैं। ये बावरिया गैंग से संबंधित है और फिलहाल ये खतरे से बाहर। इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है।